हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी गाइड्स। आज हम मिलके बहुत ही खूबसूरत सा ये केक का डिजाइन बनाने वाले हैं, जो कि पाइनएप्पल की शेप में है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस डिजाइन को कैसे बनाया जाता है। मैंने तो ये केक ऑर्डर पर बनाया था, मगर आप इसे बच्चे हो या बड़े, किसी के लिए भी बनाकर उसे खुश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पे हिट कर दीजिए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए, पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए। आज की वीडियो में मैंने जो वेनिला केक की रेसिपी यूज करी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे दे दूंगी। केक को ठंडा करके मैंने 4 लेयर्स में कट कर लिया है और आज हम पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बना रहे हैं। क्रीम को भी व्हिप करके रखा हुआ है। तो चलिए इस केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केक बोर्ड पे थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगा दीजिए, इससे आपका केक इधर उधर नहीं भागेगा और अपनी जगह पे रहेगा। केक का पहला स्लाइस इस पर रख दीजिए। सोकिंग के लिए यहाँ मैंने प्लेन वाटर यूज किया है, आप चाहें तो पानी में थोड़ी सी शक्कर घोलकर उसे भी यूज कर सकते हैं। अब इस पर हम क्रीम की एक पतली लेयर अप्लाई कर देंगे। क्रीम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप चाहें तो पतली लेयर अप्लाई कीजिए, आप चाहें तो थोड़ा ज्यादा क्रीम भी लगा सकते हैं। अब क्योंकि मैं एक पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बना रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर यूज किया है पाइनएप्पल क्रश। आप इसे अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे फ्रूट क्रशेस अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब केक की सेकेंड लेयर रख दीजिए और साइड्स में सबसे पहले क्रीम लगा दीजिए, इससे आपका केक बिल्कुल सीधा बनेगा। अब बाकी की 3 लेयर्स के साथ भी सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। सबसे पहले वाटर से सोक करेंगे, क्रीम की पतली लेयर लगाएंगे, उस पे पाइनएप्पल क्रश डालेंगे, क्रश को अच्छी तरीके से फैलाएंगे और उसके ऊपर केक की लेयर लगाएंगे। इसी तरीके से मैं अपना पूरा केक कंप्लीट कर लेती हूँ। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको दिखा रही हूँ। हम इस केक को साइड से भी पतली लेयर से ही कवर करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्रम कोटिंग कहते हैं। क्योंकि हम इस पे हैवी क्रीम का डिजाइन करने वाले हैं, इसीलिए हम इसे पतली लेयर से ही कवर करेंगे। केक को क्रम कोट करने के बाद उसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में जरूर रखिए, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए, हमारा केक अच्छी तरीके से कवर हो चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। चलिए अब हम इस पे डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ क्रीम में येलो कलर मिला के उसे पाइपिंग बैग में भर लिया है और इसमें हमने लगाया है स्टार नोजल। इसे हम ओपन स्टार नोजल भी कहते हैं। बस अब इससे हम इस तरीके से डिजाइनिंग कर रहे हैं। 2 स्टार्स बनाने के बाद उसके बीच में से अगला स्टार स्टार्ट कीजिए, इससे डिजाइन में गैप नहीं आएगा। पाइपिंग बैग में हल्का सा प्रेशर देते हुए इस डिजाइन को हमें क्रिएट करना है। इसी तरीके से पूरे केक को हम स्टार डिजाइन से कवर कर लेते हैं। अब हम ऊपर से भी सेम स्टार डिजाइन से अपने केक को कवर कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने ऊपर से भी अपने केक को कवर करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम लेंगे व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट और इसे हमने मेल्ट कर लिया है। आप इसे माइक्रोवेव में 30 सेकंड्स के लिए रखकर मेल्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें ग्रीन जेल कलर ऐड कर रहे हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने बोर्ड पर एक सिलिकॉन शीट बिछा दी है, इस पर मैं चॉकलेट के बड़े बड़े ड्रॉप्स डाल रही हूँ और स्पून की हेल्प से
इसे इस तरीके से फैला के हम ये पाइनएप्पल की लीव्स बना रहे हैं। इसी तरीके से आप अपने पाइनएप्पल केक पे जितनी लीव्स लगाना चाहें उतनी बना लीजिए। और फ्रिज में 5 मिनट के लिए सेट कर लीजिए। सेट करने पे ये कुछ ऐसी लगेंगी। अब हमने डार्क चॉकलेट कंपाउंड को पाइपिंग बैग में भर लिया है। अब इससे मैं फ्री हैंड से इसकी आईज और स्माइल बना रही हूँ। इन्हें भी मैं फ्रिज में सेट कर लूंगी 5 मिनट के लिए और उसके बाद हम इन्हें केक पे अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले मैं ये आईज लगा रही हूँ, इसके बाद मैं ये स्माइल लगा रही हूँ और अब जो हमने लीव्स बनाई थी वो भी हम इसमें लगा देंगे। तो देखिए कितनी आसानी से ये इतना सुंदर पाइनएप्पल डिजाइन का केक बनके रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं अपने चैनल पे इस तरीके की वीडियोस लाती रहती हूँ। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। थैंक यू।